बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 है कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के। हमने फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब किया, उसके एप्लीकेशन को डिस्क्राइब किया है, हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें हमने लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होती है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी का, उसका मतलब है कि आपने कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, कि बाइनोमियल का फार्मूला है, लेकिन जो टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ फार्मूला क्या है हमारे पास बाइनोमियल का, ये मैं आपको बड़ा करके लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है बाइनोमियल का। अब बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन है, जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है अगर आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये आपके पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का फार्मूला बन जाते हैं। इसमें स्टूडेंट मुश्किल कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं कि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, स्मॉल एन आपको गिवन होता है, रैंडम नंबर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, लेकिन कैपिटल एन भी गिवन होगा आपको। अब स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं, या क्वेश्चन मैं आपको शो भी करवा देती हूँ ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सको, जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको समझ आ सके। मैं आपको क्वेश्चन पहले शो करवाती हूँ, देन मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको मेथड बताती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव 3 बॉयज़ 5 गर्ल्स, आइदर 2 और 3 बॉयज़, एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने अपनी स्क्रीन पे आपको शो करवाया है ताकि आप लोग इजीली उस चीज़ को समझ सको कि आपके पास क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ हमने जो क्वेश्चन अपना देखा, आपको स्क्रीन पे शो करवाया है, उसमें जो आपके पास गिवन है, मैं आपको वही क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बताती हूँ। वो कहते हैं आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन। अब हमारे पास क्या है, वो कहते हैं एन आपके पास 5 है लेकिन 800 फैमिलीज है, इट्स मीन कैपिटल एन भी आपको गिवन है। जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन दे दिया जाए, इट्स मीन वो आपका बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कैपिटल एन अवेलेबल है। जब कैपिटल एन गिवन होगा तो आपने फाइंड करना है। हाँ, अगर वो कह देते हैं कैपिटल एन उन्होंने नहीं दिया और वो कह रहे हैं कि आप बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो और आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो आपने उन फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेना है। सम करके वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी आपका इस लेवल पे एन आपको खुद गिवन होता है तो आपने एन लिख देने। अब एन इज इक्वल्स टू 5 है एंड कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 800 है, फिर वो क्या कह रहे हैं कि हाउ वुड यू एक्सपेक्ट, आपने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है 3 बॉयज़ 5 गर्ल्स। सबसे पहले तो हमने फाइंड करने के जी हमारे पास पी क्या है और क्यू क्या है। स्टूडेंट आपको उन्होंने लास्ट एक लाइन जो मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाया उसमें लास्ट लाइन उन्होंने बोली है कि एज्यूम इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉय एंड गर्ल्स की, बॉय और गर्ल, यही टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना एक फैमिली में, या बॉय होगा या गर्ल होगी। तो कहती हैं इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कॉइन को थ्रो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हमारे पास हेड आता है या टेल आता है, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1/2 होती है कि या बॉय होगा या गर्ल। ठीक है, यहाँ भी सेम यही है कि 1/2 एंड 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, 1/2, और फेलियर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आएगी, ये भी 1/2 ही आएगी आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी फाइंड कर लिया, एन भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग तो आपको गिवन है। अब आपने करना क्या, एक्स आपको जो एन 5 नंबर, एक्स जो स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं ना, एक्स ये जितना एन होता है वहाँ तक हमने जाना होता है। यहाँ एन क्या है, 5 है, तो हमने 5 नंबर ऑफ वैल्यूज लेनी है जहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर इससे ऊपर लेंगे तो वो हमारे पास सॉल्वेबल होता भी नहीं है। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़। अगर 3 बॉयज़ की हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, इट्स मीन एग्जैक्टली 3 एक्स जो है एग्जैक्टली 3 की फाइंड करने का बोल रहे हैं। तो आप सिंपल, आपको फार्मूला तो पता है हमारे पास क्या होता है, एन एक्स होता है, पी एक्स होता है, क्यू एन माइनस एक्स होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ एन हमारे पास क्या है, यहाँ एन हमारे पास 5 है, ठीक है, एक्स हमारे पास 3 है क्योंकि 3 बॉयज़ की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, क्यू हमारे पास जो है वो भी 1/2 है,
वन बाई टू एंड एन आपके पास क्या है फाइव माइनस एक्स कितने थ्री। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 60। अब आपने फाइंड करना है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसमें n जो है वो आपके फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो n हमारे पास क्या है 800 है, यहाँ हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 5 बाय 16 आया है। आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास मैं लिख देती हूँ 250 जो है वो आंसर आएगा। तो ये आपके बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी जो है वो सॉल्व हो जाएगी फॉर द थ्री बॉयज़ के लिए। अगर वो कहते हैं कि एग्जैक्टली फाइव गर्ल्स के लिए भी आपके पास चेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन है, तो हमारे पास जो एक्स होगा वो अब एग्जैक्टली फाइव के लिए होगा। एग्जैक्टली फाइव गर्ल्स के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, आपके पास 5 एक्स भी 5 होगा 1/2 5 क्यू 1/2 5 माइनस 5, तो जो हमारे पास सॉल्व वो क्या आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा जी 1/32। और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको अगेन बता रही हूँ कि आपने जब भी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल एन के साथ। आपके पास इसकी वैल्यूज आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है जो कि 1/32 है, आपके पास कैपिटल एन 800 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 25 और ये आपके पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप, अगर वो कहते हैं कि आइदर टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स हैं तो ये भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर वो ऑप्शन हमें कह रही हैं कि आपने लेने हैं टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, अब टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स का क्या मतलब है, क्या आपने एक बार ही लेना है x इज इक्वल्स टू टू प्लस x इज इक्वल्स टू थ्री, या आपके पास टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स हैं और थ्री गर्ल्स यहाँ लिखा हुआ है और थ्री गर्ल्स। अच्छा वैसे स्टूडेंट आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, जब भी स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना वर्ड और आ जाता है, तो और मीन है प्लस करना है ऐड करना है, अगर एंड का वर्ड यूज़ हो जाता है एंड यूज़ हो जाता है तो इट्स मीन आपने मल्टीप्लाई करना है वहाँ प्रोडक्ट लेने। तो यहाँ वो कह रहे हैं टू बॉयज़ और थ्री गर्ल्स, इट्स मीन टू बॉयज़ एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है फार्मूलाज में पुट करके, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 5 3 1/2 3 एंड 1/2 2, ये आपके पास जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 5/8, इन दोनों का जो आंसर मिला के आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करनी है तो 800 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/8 से, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 500 और ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट के बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, और ऐसी एग्जांपल्स आपके पास मजीद आगे आएंगी और मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व भी करवा दी हैं, आपने वो भी देखनी है। स्टूडेंट अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको मजीद सॉल्व करवा दूंगी क्वेश्चंस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।